तारक मेहता का चश्मा में इस वक्त एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बबीता जी की एंट्री के बाद अब एक धमाकेदार एंट्री की है इंस्पेक्टर चालू पांडे ने, और ये एंट्री बहुत बड़ा बवाल अब गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि जेठालाल जहां हैरान परेशान होकर चालू पांडे को अपनी मदद के लिए फोन करते हैं, लेकिन जेठालाल की मदद करने की जगह चालू पांडे पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ अब क्लब हाउस में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते एपिसोड में आपने ये देखा कि किस तरीके से सोसाइटी वाले लोगों ने गोकुलधाम सोसाइटी का लगाया हुआ कोरोना वैक्सीनेशन महोत्सव का बैनर बदल दिया है, ताकि गोकुलधाम सोसाइटी वाले इससे एक बड़ी मुसीबत में फंस जाए और साथ ही साथ वो ये नेक काम ना करें। आपको बता दें कि गोकुलधाम सोसाइटी हर एक अच्छे काम में हमेशा आगे रहती है, जिस वजह से कुछ दूसरी सोसाइटी वाले उनसे जेलस फील करते हैं, और इसी वजह से गोकुलधाम वासियों से बदला लेने के लिए उन्होंने एक नया पैतरा आजमाया, और पैतरा ये कि उन्होंने उस हर जगह के बैनर्स बदल दिए हैं जहां पर टप्पू सेना ने जाकर कोरोना वैक्सीनेशन महोत्सव के लिए बैनर लगाए थे, और उस बैनर में लिखा हुआ है कि गोकुलधाम सोसाइटी में लगने वाली वैक्सीनेशन नकली है, वहां पर असल दवाई नहीं बल्कि ग्लूकोज का पानी इंजेक्शन में डालकर लगाया जा रहा है, जिस वजह से लोग भी काफी हैरान परेशान और पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से नाराज भी हैं। यहां तक कि उनमें से कुछ लोगों ने तो इंस्पेक्टर चालू पांडे को बाकायदा फोन करके ये कह दिया है कि वो चाहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। वेल, अब इस बार चालू पांडे किस तरीके से इस केस सॉल्व करेंगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी जानकर खूब हैरान रह जाने वाले हैं कि आखिर ये काम किया किसने है। वेल, इस बीच कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं, कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुसीबत से टप्पू सेना ही पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों को बाहर निकालने वाली है। वेल, क्या होगा आने वाले नए अपकमिंग एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल से जुड़ी हर एक अपकमिंग अपडेट हम आपके लिए लेते रहें, और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब कौन सा नया धमाका, कौन सा नया ट्विस्ट, कौन सा नया टर्न आने वाला है।